आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, पड़ोसी को हराने में हमें 10 दिन भी नहीं लगेंगे। नक्सलवाद सहित तमाम मसलों पर चर्चा, रायपुर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह ने की अध्यक्षता। कोयले के अवैध उत्खनन को लेकर आंदोलन, कोयले का परिवहन रोका गया। सिवनी में ट्रक से टकराई बस, ड्राइवर की मौत, 25 यात्री हुए घायल। और मोदी का पुतला जलाते झुलसा कांग्रेसी नेता, पुलिस पर लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। एनसीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला और कहा, पड़ोसी को हराने में हमें 10 दिन भी नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी के युवा कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया और कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि घाटी में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, पड़ोसी देश भारत से प्रॉक्स वॉर लड़ रहा है। आजादी के बाद से ही कश्मीर में समस्या बनी हुई है। तत्कालीन सरकारों को घेरते हुए पीएम ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 अस्थाई था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया। पड़ोसी देश को हराने में 10 दिन भी नहीं लगेंगे। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का पान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? जी नहीं, कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि थके हुए लोग युवा सोच नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पढ़ेंगे भी और देश के लिए कुछ करेंगे भी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग समस्या में सुधार नहीं होने देना चाहते हैं। काम को टालने वाले लोगों के लिए कभी कल नहीं आता है। आपको सभी जगह ऐसी सोच वाले लोग मिलेंगे। कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ कर बैठे रहेंगे? उन्होंने देश के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज का युवा देश बदलना चाहता है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रायपुर में हुई। इसमें अंतर्राज्यीय 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में नक्सलवाद के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन किया गया। इसके साथ खाद्यान्न सुरक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, कृषि के क्षेत्र में राज्यों से समन्वय और आईटी सेक्टर को लेकर विचार विमर्श भी हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक नवा रायपुर में हुई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित चारों राज्यों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम टीएस रावत सोमवार की शाम को ही रायपुर पहुंच गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस बैठक के दौरान 4 घंटों तक अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 2-2 मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अंतर्राज्यीय 30 बंधुओं को एजेंडे में शामिल किया गया। इसके नक्सलवाद के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही खाद्यान्न सुरक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, कृषि के क्षेत्र में राज्यों से समन्वय और आईटी सेक्टर को लेकर विचार विमर्श किया गया, जहां राज्यों ने अपने अपने हित के हिसाब से बात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव भी सौंपा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन केंद्र सरकार और परिषद में शामिल राज्यों के समन्वय से इन राज्यों में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के साथ अंतर्राज्यीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय सलाहकार मंच के रूप में किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए दो टू कहा कि सरकार जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में देश चल नहीं सकता। देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बना रहे। कमलनाथ ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र और राज्य के बीच टकराव का कारण बनते हैं। इससे देश को न केवल हानि होती है बल्कि इससे देश ठीक ढंग से चल नहीं सकता। काउंसिल की मीटिंग बहुत समय बाद हो रही है और जो केंद्र सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, आज उसका उदाहरण और उसका सबूत हम सब देखेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपने देश में बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बगैर अपना देश नहीं चल सकता। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य में समन्वय बना रहे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो टकराव के मुद्दे हैं और टकराव से अपने देश को केवल हानि नहीं होती पर अपना देश चल नहीं सकता। सिवनी में बिना इंडिकेटर दिए मुड़ रहे ट्रक में पीछे से आ रही बस टकरा गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और 25 यात्री घायल हो गए। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र के मो गांव में नागपुर जा रही विजयन ट्रेवलर्स की बस आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसी। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए। यात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुरई थाना प्रभारी जीएस उइके ने बताया कि नेशनल हाईवे क्रमांक 7 से विजयन ट्रेवलर्स की यात्री बस जा रही थी। इसी दौरान तमिलनाडु से नागपुर जा रहे ट्रक को ड्राइवर किनारे खड़ा कर रखा था। ट्रक के इंडिकेटर बंद होने के कारण बस ड्राइवर धोखा खा गया और तेज रफ्तार यात्री बस ट्रक के पिछले हिस्से में जा टकराई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। शहर में हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी का वादा करके जाने कितनी सरकारें आईं और गईं। देश की आजादी के बाद से ही राजनेताओं के इन झूठे वादों का दंश मध्य प्रदेश का एक गांव झेल रहा है जिसमें आज तक सड़क नहीं है। इस गांव में कच्चे रास्तों पर चलते चलते कई पीढ़ियां बदल गई और नहीं बदली तो इस रास्ते की सूरत। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहा है, हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मगर देश का दुर्भाग्य है कि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़कें ही नहीं हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। जहां हम मंगल और चांद तक पहुंच चुके हैं, वहां जाने का रास्ता खोज चुके हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज भी चुरहट विधानसभा का एक ऐसा गाँव है जहाँ हमारे देश के भविष्य को स्कूल जाने के लिए सड़क का इंतजार है। सीधी भी गजब है। इस जिले से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री सहित कई मुख्य पदों पर लोग पहुंचे, लेकिन जिले में आज भी चुरहट विधानसभा क्षेत्र के गांव चोरगढ़ी मैराटोला में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। वहां के स्कूली बच्चे मुख्यमंत्री कमलनाथ से सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है सरकार से अभी तक हम परेशानियां झेल कर नाराज थे, मगर अब तो स्कूल के बच्चों को भी भरोसा नहीं रहा। इन बच्चों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का जो तरीका निकाला है, शायद मुख्यमंत्री कमलनाथ तक उनकी बात पहुंच जाए। बच्चों ने 26 जनवरी के कार्यक्रम में एक ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर अभी तक की सभी सरकारें शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। लीजिए
कमलनाथ जी इस गीत में बच्चों ने आपके सरकारी तंत्र की बखिया उधेड़ कर रख दी है। मंत्री ना सुने मुख्यमंत्री ना सुने, मंत्री ना सुने मुख्यमंत्री ना सुने, सुन लीजिए गांव वालों हमारी पाठशाला की रोड बने बाद, हमें ना जाने बालिकाएं पाठशाला की रोड बने बाद, पंचे ना सुने सर पंचे ना सुने, पंचे ना सुने सर पंचे ना सुने, सुन लीजिए ये गाना गा रहे बच्चे सीधी जिले के शासकीय हाई स्कूल चोरगढ़ी मैटोला के हैं, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की पोल खोलते हुए गीत गा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए 20 सालों से सड़कों के लिए ये बच्चे तरस रहे हैं। सरकार और सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण स्कूल पहुंचने के लिए खेतों से गुजरना पड़ता है और 500 मीटर की सड़क की मांग स्कूल के बच्चे 20 साल से क्षेत्र के पूर्व विधायक और मंत्री अजय सिंह राहुल, अर्जुन सिंह से लेकर कलेक्टर तक कर चुके हैं। फिर भी जब सड़क नहीं बन पाई तो इन बच्चों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सड़क बनवाने को लेकर गीत गाया, जिसमें बच्चों ने कलेक्टर एसपी सभी से रोड की व्यथा को सुनाया और आम जनता से भी अपील की कि अब आप गांव वाले ही मिलकर हमारे स्कूल की सड़क बनवा दो। गौर करने वाली बात यह है कि सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र का ये गांव, जहां से प्रदेश को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मिले थे और वर्तमान में इसी जिले से कमलेश्वर पटेल कैबिनेट मंत्री हैं। देखना होगा कि इस गीत को सुनने के बाद सत्ता के मद में चूर इन नेताओं के कानों पर जुरेंटी है या नहीं। हम लोगों को स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है, सड़क ना होने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती है, बरसात में तो और भी ज़्यादा। 200 मीटर हम लोगों के स्कूल आना, वहाँ पे रास्ता नहीं है और खेतों से होकर आना पड़ता है, जिससे जिनके खेत हैं उनकी फसल भी ख़राब हो जाती है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को स्कूल आने के लिए पक्की सड़क बन जाए। ये मैं सरकारी स्कूल जो है चुरगड़ी गांव का है और यहाँ पर जो छात्रों की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं तो कुछ हद तक तो दिखती हैं, लेकिन जो बेसिक यहाँ की प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर करीब 200 मीटर की सड़क है जो कच्ची है और बच्चे जो हैं इनको गुजरना पड़ता है खेतों से, खलिहानों से आना पड़ता है। और ये दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ 20 सालों से ये प्रकरण चल रहा है और इसके लिए यहाँ के जिलाधीश से लेकर जो भी यहाँ के मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, हर तरह के स्तर पर पूरा प्रयास किया जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकारी तंत्र जिस देश के में इस तरह की व्यवस्था आज भी नहीं है कि एक बार में सुन लिया जाता हो, और आज भी सड़क की लड़ाई के लिए लड़ रहा है ये स्कूल। छिंदवाड़ा के कोयलांचल में अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया और कोयला परिवहन रोक दिया। मजदूर संघ का कहना है कि क्षेत्र में कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है, उत्खनन के दौरान कई मजदूरों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मजदूर संघ ने अवैध कोयला परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है। छिंदवाड़ा के कोयलांचल में अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन पर अवैध उत्खनन को लेकर कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र में रोजगार का साधन ना होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कोयला का अवैध उत्खनन करते समय कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है, पर परिवार का पालन पोषण करने के मजदूरी में मजदूर ये कदम उठा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी अवैध उत्खनन रोकने का सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं, जिसको देखते हुए भारतीय मजदूर संघ ने कांग्रेस सरकार के विरोध में धरना दिया और कोयला परिवहन को रोक दिया। भारतीय मजदूर संघ ने बताया कि कांग्रेस के कुछ रसूखदार नेताओं का काम चल रहा है, इसी कारण प्रशासनिक अधिकारी शांत रहते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोयला चोरी को रोकने में नाकाम है। बीएमएस द्वारा दिए गए सुझावों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कोयला माफिया बेचारे गरीब मजदूरों को मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं।
पुराने कई उदाहरण हैं जहाँ पर ऐसे बंद खदानों से कोयला चोरी होने पर कई मौतें हुई हैं। जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कई कमियों का दंश झेल रहा है, लेकिन सरकार में इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी यदाकदा रीवा आते जाते रहते हैं, फीते काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, चले जाते हैं, और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की समस्या जस की तस बनी रहती है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी कभी कभार रीवा दौरे पर आते हैं, नए भवनों का लोकार्पण करते हैं, शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अच्छी सुखमय व्यवस्था पाकर खुशी खुशी वापस भोपाल लौट आते हैं। इस दौरान वे भूल जाते हैं कि जिन कार्यों के लिए कमलनाथ सरकार ने उन्हें चुना है, उनका भी निर्वाह करना है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा इन्हीं कमियों का दंश झेल रहा है, कोई इसकी खबर लेने वाला नहीं है। बच्चों और अभिभावक शिकायत लेकर लाइन में खड़े रहते हैं, मगर मंत्री जी को समस्याएं सुनने की फुर्सत थी कहाँ, मिलती ही नहीं है। पिछले एक बार फिर विश्वविद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य व्यवस्था ठप पड़ गई है। मीटिंग तो हमारी कल भी हुई थी, लेकिन कल भी हम लोगों ने ये कहा था कि जब तक सातवें वेतनमान का एरियर्स भुगतान नहीं होता तब तक हम लोग बात करने को मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने मीटिंग के दौरान ये भी कहा, जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कहा कि अभी मध्य प्रदेश शासन का कोई आदेश ऐसा नहीं आया है कि एरियर्स भुगतान कर दिया जाए, तो हमारा हम लोगों का कहना ये भी था कि मध्य प्रदेश शासन का कोई ऐसा आदेश आया है क्या कि आप चारों तरफ से विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई जवाब दिया। चर्चा के दौरान ये कहा कि प्रशासन को हम लिख रहे हैं और उनकी स्वीकृति आते ही हम तत्काल भुगतान कर देंगे, उतनी राशि हम यहाँ हम शेष किए लेते हैं, मतलब जो खर्चा आएगा वो अपने पास संरक्षित करके उनको हम लिख रहे हैं कि इतनी राशि हमने रख लिया है। जैसा ही पत्र आता उनका कि हम स्वीकृति है तो स्वीकृत हम एक मुफ्त भुगतान कर देंगे, हम किस्त भी नहीं करेंगे उसको। तो एक बात तो ये पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि चूँकि महासभा का निर्णय है कि हमको एरियर्स दिया जाए, अभी महासभा बुलाई जाएगी, महासभा का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा, ये किसी एक व्यक्ति या एक पदाधिकारी का नहीं है। आए दिन कर्मचारी 2016-2017 के सातवें वेतनमान के एरियर्स भुगतान की मांग कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति ही प्रशासन ने अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय को नहीं दी है। कई बार कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बच्चे महंगी फीस देकर के प्रवेश लेते हैं ताकि उनको नियमित रूप से पठन पाठन की व्यवस्था उपलब्ध हो। यहाँ कई कई दिनों तक बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था भी बंद रहती है। हड़ताल के कारण पठन पाठन जो है बहुत ही प्रभावित हुआ है। क्लासेस लगभग सभी सस्पेंड चल रही हैं, और जो फैकल्टीज हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फैकल्टीज जो हैं गेस्ट फैकल्टी हैं, तो वो भी उसका फ़ायदा उठाते हुए खाली यहाँ पे आके अटेंडेंस लगा के विचरण कर रहे हैं इधर से उधर, क्लासेस के और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतिथि विद्वान जिनकी संख्या विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा है, जिनका हड़ताल में भी योगदान नहीं है, वह भी मौका उठा कर के कक्षाओं में बढ़ाने नहीं जाते हैं। प्रशासन के द्वारा आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अतिथि विद्वानों के भी हौसले बुलंद हो गए हैं, और विश्वविद्यालय के कुलपति पीयूष रंजन अग्रवाल मीटिंग करने के अलावा समस्याओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं और हर बात पर राज्य सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनकी एक मांग जो चल रही है वो सातवें वेतन आयोग के एरियर के संबंध में भुगतान की है, एक पर्टिकुलर अवधि के लिए। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन राज्य सरकार को सभी विश्वविद्यालय के लिए एक साथ लेना है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका कोई आदेश आएगा तो उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने कुछ जानकारी चाहिए जो हम लोगों ने भेजा है,
और उनकी आदिशानिक बात ही प्रस्थान होगा, यही हम लोगों ने उनको अवगत कराया है। ग्वालियर जेल में गणतंत्र दिवस की शाम को दुष्कर्म व पास्को एक्ट के आरोपी नरोत्तम रावत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को बंदियों को लॉकअप करने के बाद नरोत्तम बैरक नंबर 9 के पास शिव मंदिर के पीपल के पेड़ पर फांसी पर झूलता मिला। युवक ने फांसी मंदिर के कपड़े से लगाई। मृतक के परिजनों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उसके साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। इस मामले में जेल के मुख्य प्रहरी सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कैदी के फांसी लगाने की खबर से जेल के अंदर हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में बैरक नंबर 9 की निगरानी के लिए तैनात मुख्य प्रहरी ओम प्रकाश सुमन सहित 3 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। बंदी की मौत का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्राम इट्टमा निवासी नरोत्तम रावत के खिलाफ इसी माह करहिया थाने में किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने पर मामला दर्ज किया गया था। किशोरी के बरामद होने के बाद पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म व पास्को एक्ट के साथ धमकाने की धारा का इजाफा किया। पुलिस का दबाव बढ़ने पर नरोत्तम कंपू थाने में हाजिर हो गया। गिरफ्तारी के समय नरोत्तम नाबालिग था, इसीलिए उसे कुछ समय बाल जेल में रखा गया। इसके बाद इसी माह बंदी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर 23 जनवरी की शाम 3 बजे न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। नरोत्तम की जेल में एंट्री होने के बाद से उसे बैरक नंबर 9 में रखा गया था। जेल में पहुंचने के बाद नरोत्तम काफी तनाव में था। शाम 7 बजे बंदियों को लॉकअप में बंद किया जा रहा था। लॉकअप के बाद बंदियों की गिनती होनी थी। इसी बीच पुराने अस्पताल वार्ड के पीछे शिव मंदिर के पीपल के पेड़ पर जमीन से 25 फीट की ऊंचाई पर बंदी को फांसी पर लटके होने में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक मनोज साहू सहित अन्य अधिकारी जेल में पहुंच गए। जेल अधीक्षक ने सबसे पहले लिखित आवेदन भेजकर बंदी नरोत्तम के आत्महत्या करने की सूचना जिला व सत्र न्यायाधीश को भेजी और न्यायिक अधिकारियों की साथ तहसीलदार को भी पड़ताल के लिए बुलाया। उसके बाद मुख्य प्रहरी ओम प्रकाश सुमन प्रहरी प्रेम नारायण गोयल व मनोज त्यागी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सामुदायिक अस्पतालों में आए दिन अव्यवस्थाओं की मिल रही शिकायतों के कारण CMHO ने सामुदायिक अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने पर डॉक्टरों की फटकार लगाई और अस्पताल में ताला लटका मिलने पर भी डॉक्टरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा के परासिया में जिला CMHO ने सामुदायिक अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते फटकार लगाई। साथ ही सख्त निर्देश दिए कि समय के अनुसार अस्पताल में उपस्थित रहें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ अस्पतालों में ताला लटका मिलने पर भी डॉक्टरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों को समझाइश देते हुए कहा कि मरीजों के हितैषी बने और मरीजों के प्रति अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखें। वो बहुत सीरियस मैटर है, मैंने स्वयं वहाँ पर जाकर देखा है और ये ऐसी घटना मतलब जो वहाँ का जो स्टाफ है वो स्वयं जिम्मेदार है इसके लिए कि वो वहाँ पर सेवाएं नहीं देना चाहता है, वो रहना नहीं चाहते हैं। कठोर एक्शन हम लेंगे इसके लिए। देखिए अभी तो कारण बताओ नोटिस हम जारी करेंगे और उसके बाद अगर जो भी जवाब आता है अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम सीरियस से सीरियस एक्शन, इवन अगर संविदा कर्मचारी सेवाएँ समाप्त करने की भी कार्रवाई आगे को कर सकते हैं। छिंदवाड़ा के ग्राम पंचायत में भाजपा के सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप के विरोध में गांव के 4 पंचों ने इस्तीफा दे दिया। ग्रामीणों ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है भाजपा सरपंच पर जबरदस्ती भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। छिंदवाड़ा के परासिया के भाजपा ने ग्राम पंचायत में भाजपा सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। इन आरोपों के विरोध में गांव के 4 पंचों ने इस्तीफा दे दिया है। सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस की सत्ता आने के बाद जबरदस्ती भाजपा सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के निष्पक्ष जांच करे और जो भी आरोपी पाया जाए उसको सजा मिले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार जांच के आदेश नहीं दे रही है और सरपंच पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस को भय है कि आने वाले चुनाव में उसकी पोल खुल जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा सरपंच मनीष यादव भाजपानी क्षेत्र से सरपंच हैं और इस क्षेत्र से कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली है। इसी वजह से इस क्षेत्र के भाजपा सरपंच के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पंचों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी भी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हम सभी पंचों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और पूर्व में ग्राम पंचायत भाजीपानी के एक माफिया के द्वारा, जो कि रेत माफिया है, उसके द्वारा कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के यहाँ के विधायक स्थानीय सोहनलाल बाल्मीक के साथ मिलकर के ग्राम पंचायत भाजीपानी की जांच कराई गई। चूँकि पूरा झूठा रिपोर्ट तैयार कर
जिला सीओ को अवगत कराया गया और जिला सीओ के माध्यम से ग्राम पंचायत भाजी पानी को 11.5 लाख रुपए के रिकवर किया गया है। लेकिन वो जांच पूरे कांग्रेस के लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से की गई थी, जिसकी पुनः जांच कराने के लिए हम 17/1/2020 को जिला कलेक्टर महोदय के सामने गांव की कम से कम 150 महिलाएं और युवाओं के साथ उपस्थित हुए थे और ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत भाजी पानी के ऊपर जो जांच की गई है वो द्वेष भावना और राजनीतिक द्वेष से की गई है, आप पुनः उसकी जांच कराएं। किंतु आज 9वां दिन है, कलेक्टर महोदय ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है और मैं कलेक्टर महोदय के ऊपर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये जो आपके द्वारा व्यवस्था दी जा रही है ये गलत है। कलेक्टर महोदय का दायित्व होता है कि यदि किसी की समस्या आई तो तत्काल जाकर के वो देखें, लेकिन कांग्रेस के दबाव में और कांग्रेस के नकुलनाथ कमलनाथ और अपने सोहन वाल्मीकि के दबाव में आकर के कलेक्टर महोदय ने 9 दिन हो गए ग्राम पंचायत भाजी पानी में नहीं आए हैं और हम यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं जो कि हमारी अनिश्चित काल चलेगी और हम यहाँ से भूख हड़ताल से तभी उठेंगे जब हमारे जिन बिंदुओं पर जांच लगाई गई उनकी पूरी जांच हो जाए। हमारे भाजी पानी के जो सरपंच मनीष यादव जी हैं उनके ऊपर कांग्रेस द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनकी कोई जाँच नहीं हो रही है और शिकायत किया था। हाँ, हम बहुत से लोग कलेक्टर गए थे जिनकी शिकायत हमने किया था लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते समय युवक कांग्रेस के नेता आकाश राजावत झुलस गए। कांग्रेस नेता के चेहरे पर आग की लपटें लगी जिससे उसके बाल भी झुलस गए। आकाश का आरोप है कि पुलिस की छीना झपटी के कारण बड़ी घटना हो सकती थी। युवक कांग्रेस ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में देश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम कर रहे थे। कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। इस प्रदर्शन में छीना झपटी के दौरान पुतला गिर गया। युवा कांग्रेसी प्रधानमंत्री का पुतला जलाने पर अड़े हुए थे। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया। छीना झपटी में कांग्रेसियों ने पुतले में आग लगा दी। आग की लपटों से झुलसा पुतला आकाश की तरफ गिरा जिससे उसका चेहरा झुलस गया, बाल जल गए। आकाश का कहना था कि आग की तपिश से चेहरे पर जलन महसूस हो रही है। आकाश का आरोप है कि पुलिस की छीना झपटी के कारण बड़ी घटना हो सकती थी। काली मंदिर के रंगमंच और आंगनबाड़ी का विधायक ने भूमि पूजन किया। किए गए भूमि पूजन की लागत 10 लाख है। काली मंदिर में रंगमंच और आंगनबाड़ी की वार्डवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे। पड़सिया में प्राचीनतम काली मंदिर में मंचों के क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही मंदिर में नए रंग मंचों की वार्डवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे। वहीं आंगनबाड़ी की भी लंबे समय से वार्डवासियों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसके चलते विधायक ने काली मंदिर में रंगमंच का भूमि पूजन किया और मंदिर के पास ही आंगनबाड़ी का भी भूमि पूजन किया। वार्डवासियों ने विधायक को क्षतिग्रस्त मंचों और आंगनबाड़ी न होने की शिकायत की थी, जिसको विधायक ने गंभीरता से लेते हुए भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।